अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो ठंडियों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है, शेंगदाने के लड्डू। और ये जो रेसिपी है ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हूँ 250 ग्राम मैंने मूँगफली ली हूँ शेंगदाने। तो शेंगदाने आप लोगों को लेना है ये जो काजू बादाम जो होता है ना हेल्दी, उसी तरह शेंगदाने भी बहुत हेल्दी होते हैं सर्दियों में खून बढ़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ली हूँ थोड़े से काजू बादाम और पिस्ते। पिस्ता ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप लीजिए, मैंने थोड़े से पिस्ते लिए। और ड्राई फ्रूट्स आप लोग जो है अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहे उतना ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ली हूँ 1 कप छोटा सा जो मैंने चावल ली हूँ, ये जो मेरी मदर इन लॉ है वो ये रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल करिए आप, शेंगदाने के ये लड्डू में बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैंने नारियल ली हूँ थोड़े से, जो गीले नारियल है उसे ग्रेट करके ले ली हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 कप ली हूँ, ये कम अज़ कम 350 ग्राम गुड़ है। तो मीठा आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए, गुड़ ये आप लोग लीजिए। ठीक है, चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस पे मैंने पैन रख दी हूँ गरम करने, उसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे हमारी मूंगफली, मूंगफली डाल देंगे। और इसे धीमी आंच पे, जो मीडियम आंच पे हम लोग रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट गैस पे नहीं करना, वरना क्या होगा ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर कच्चा रहेगा। 5 से 7 मिनट हो गए, मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे भून ली, रोस्ट कर ली हल्का हल्का। देखिए इसके ऊपर से छिलके हल्के हल्के ब्राउन हो गए, बस इतना ही हम लोगों को इसे फ्राई कर रोस्ट कर लेना। अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा करने के लिए। एक प्लेट में मैंने इसे निकाल ली हूँ, ठंडा होने के बाद में हम लोग इसके जो छिलके ऊपर गए उसे निकाल लेंगे। उसी सेम पैन में जो हम लोगों ने यहाँ पे काजू बादाम और पिस्ता लिए उसे भी 2 मिनट के लिए हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये बस जो इसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर, अभी ठंडी का मौसम है इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसे रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट हो गया, देखिए इसमें हल्के हल्के मार्क्स आ गए, तो ये रोस्ट हो चुका है, इसे भी हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में हम लोगों ने जो चावल लिए थे इस चावल को डाल देंगे। ये चावल बिल्कुल भी ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जब इसे बनाती थी तो मेरे हस्बैंड को और मेरे घर में बच्चों को सभी को ये बहुत पसंद है। लेकिन इससे आप लोगों को सबसे ज्यादा टाइम चावल भूनने में लगेगा, कम से कम 15 मिनट आपको लगेगा चावल भूनने। एकदम मीडियम फ्लेम पे भूनना है और मतलब ये अच्छा अंदर से मतलब एकदम क्रिस्पी होना चाहिए, तो एकदम स्लो फ्लेम पे आपको इसे 10 से 15 मिनट भूनना। मिनट देखिए हो गया, मैंने इसे एकदम स्लो फ्लेम पे भूनते हुए हमारे चावल को अच्छे ब्राउन हो गए, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है इसमें से। तो ये जब ऐसे इस तरह से ब्राउन हो जाए तो इसे ठंडा करके एक प्लेट में हम लोगों को इसे भी मिक्सर में डाल के अच्छा पाउडर कर लेना है। तो अभी गैस को बंद कर देगा, इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। शेंगदाना देखिए ठंडा होने के बाद में मैंने इसके छिलके जो निकाल लिए, थोड़े थोड़े रह गए वो चलेंगे, आप लोग चाहे तो पूरा भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसे मिक्सर में डाल के जो हम लोगों के ड्राई फ्रूट शेंगदाना और ये चावल, इन सबको हम लोगों को, चावल को एकदम अच्छे से आपको बारीक पाउडर करना है, बाकी ये सब आप अपनी मर्जी से, मैं थोड़ा दरदरा इसे फूट कर लेकर आती हूँ मिक्सर में। देखिए मैंने शेंगदाने को अच्छा बारीक पाउडर कर दी, थोड़े से इसमें हल्के दरदरे भी ताकि दिखने में और टेस्ट में भी थोड़ा अच्छा लगे, एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी इसी मिक्सर में ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो हम लोग डाल के इसे भी पाउडर कर लेंगे। ड्राई फ्रूट भी मैंने दरदरा पाउडर कर लिया, अभी इसे भी इस प्लेट में निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट जो है आप लोग अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। चावल को देखिए मैंने कितना बारीक पाउडर किया, देखिए एकदम बारीक है ये, ऐसा एकदम बारीक होना चाहिए, तो इतना बारीक आप लोग कीजिए और इसे भी इसमें मिक्स कर दीजिए। गैस में हम लोग कढ़ाई रख देंगे गरम करने के लिए और उसमें हम लोग 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी चाहे तो आप लोग ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि घी जो है हम लोगों के लिए ये भी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अगर जिसको फैट कम चाहिए, ज्यादा मोटापा नहीं बढ़ाना, तो उन लोग घी को कम डालिए। घी जैसे हम लोगों का मेल्ट हो जाएगा तो ये जो गुड़ हम लोगों ने लिए थे इस गुड़ को इसमें डाल देंगे। गुड़ को हम लोग अच्छे से मेल्ट होने देंगे जब तक ये अच्छा सा एकदम पूरा लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। गुड़ देखिए हम लोगों का अच्छे से मेल्ट हो चुका है, 2 मिनट लगे गुड़ मेल्ट होने। तो ये घी डालने से क्या होता है कि हमारे लड्डू में अच्छी शाइन भी आती है, टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो गुड़ अच्छा मेल्ट होने के बाद में अभी जो भी ड्राई हम लोगों ने इसमें शेंगदाना और ये सब पाउडर करके रखे थे ये सब इसमें डाल देंगे। मीठा गुड़ जो है आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो गुड़ और ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये जो नारियल हम लोगों ने ग्रेट करके रखे थे कोकोनट, इसे भी इसमें डाल देंगे। अगर आप लोगों को ये ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना है लड्डू तो आप लोग इसमें सूखा खोपरा जो है ना वो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अगर जल्दी से 15 से 20 दिनों में खत्म करना है, ठंडी का मौसम है वैसे ये बहुत जल्दी खराब नहीं होगा,
तो फिर ये नारियल डालिए, अच्छा रहता है, गीला नारियल से टेस्ट बहुत अच्छा। मेरी मदर इन लॉ जो इसी तरह बनाती थी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ठंडे होने के बाद में हम लोग इसके लड्डू बनाने। देखिए मैंने सब अच्छे से मिक्स कर दी और गैस हमारा बंद है। अब जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, हल्का हल्का गर्म रहे, तो हम लोग इसके जितने साइज के चाहिए उतने लड्डू बना लेंगे। हम लोग शेंगदाने का जो भी हम लोगों ने लड्डू का मटेरियल बनाया, ये मैंने एक प्लेट में, हल्का हल्का ठंडा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पकड़ सकते हैं, पूरा ठंडा भी नहीं हुआ है, आराम से। अब हम लोग जितने चाहिए ऐसे हम लोगों को जो शेप के लड्डू चाहिए इस तरह हम लोग बना लेंगे। देखिए जो शेप का लड्डू चाहिए बहुत आसानी से बन जाता है, इस तरह बना के हम लोग एक प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत आसानी से देखिए ये लड्डू बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती हम लोगों को, बहुत टेस्टी भी बन के तैयार होता है। तो इस तरह हम लोग हाथों से इसे गोल गोल शेप दे देंगे और प्लेट में बना के हम लोग रखते जाएंगे। इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे। लीजिए भी तैयार है मेरे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी शेंगदाने के लड्डू। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। मैंने एक लड्डू को ट्राई भी किया, बहुत ही इसका जो मीठा है, गुड़ और सारी चीजें, सिर्फ 2 चम्मच घी मैंने इसमें ऐड किया है। और चावल भी जो हम लोगों ने बारीक पाउडर किए, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो जरूर से ट्राई कीजिए जिस तरह मैंने बनाया है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाहु खैर।